फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नेबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई हूँ मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा ललिगा लीग का VLD वर्सेस BAR के बीच 55 मिनट बाद, मतलब लगभग 11 बजे। तो भाई फटाफट आपको टीम दे दूँ, लाइनअप्स आ चुकी हैं। तो ये एक तरह फाइनल टीम ही है, पूरी पूरी प्रॉपर फाइनल। और आपको फाइनल टीम वैसे यहाँ मिलेगी एबी रॉक्स ड्रीम इलेवन टीम्स के चैनल पे। मेरा चैनल है एबी रॉक्स ड्रीम इलेवन टीम्स के नाम से, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं इधर आप पा सकते हैं 100% विनिंग टीम एंड जीत सकते हैं कुछ ऐसे। यार भाई मैं आपको बता दूँ, जो भी मैंने इधर टीम पोस्ट करनी है वो बिल्कुल सेम होने वाली है, सो टेंशन मत लो। ये आप इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत करना, ये लेस इन्वेस्टमेंट मैच है और थोड़ा रिस्की है, इसलिए हेड टू हेड खेलना। 3 मेंबर 4 मेंबर भी अवॉइड कर देना। बाकी चलिए अब आपको टीम दिखाते हैं। बात करें विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर से लेने वाला हूँ टॉप का प्लेयर जिसका नाम है एम एंड्रे स्टीजन, जो कि मैं आपको बता दूँ टॉप का गोल कीपर है। मिनिमम से भी 5 से 4 पॉइंट हर मैच में आपको दे के जाएगा, वो भी मिनिमम। मैक्सिमम तो आराम से आपको 9 से 11 पॉइंट देने की हिम्मत रखता है। बात करें डिफेंडर की, तो जे आल्बा को सारे जानते हैं, टॉप का डिफेंडर है। असिस्ट और गोल करने में जबाज है। और सबसे बड़ी बात यह है, गोल या असिस्ट पूरी गेम में करे या ना करे, फिर भी इस बंदे ने आराम से आपको 11 से 12 पॉइंट देने हैं बिना असिस्ट के। तो वो प्लेयर भाइयों मैं आपको बता दूँ बहुत ही खतरनाक है। बाकी नीचे से लूँगा यहाँ से सी लैंगलैंड को, क्योंकि सी लैंगलैंड भी मेरा फेवरेट प्लेयर है। 9 जुलाई के मैच में इसने विदाउट असिस्टेंट गोल के 11 पॉइंट दिए थे। ये सबसे मेन बात होती है, एक इनके ऊपर बहुत मेन वर्क होता है, जो कि आगे एक प्लेयर मिलता है गैरेंट, जो कि मैं आपको बता दूँ 9 जुलाई के मैच में इसने भी अच्छे खासे पॉइंट दिए। इनके मिडफील्डर तो मतलब अच्छे हों या ना हो, लेकिन इनके डिफेंडर बहुत ज़्यादा टॉप के हैं। बात करें आगे से लूँगा भाइयों एस रॉबर्टो को मैं इसलिए साथ जा रहा हूँ, प्रीवियस मैच में बहुत अच्छा खेला था। और भाइयों आज भी ओपोनेंट टीम थोड़ी लो रहने वाली है, तो मेरे हिसाब से आज इन्होंने बहुत चलने वाले हैं ये लोग। चलो देखते हैं क्या होता है, टीम तो स्ट्रॉन्ग है। और आगे से अगर बात करें, यहाँ से मैं एक प्लेयर लेने वाला हूँ जिसका नाम है के ओलिवास ने प्रीवियस मैच काफ़ी बढ़िया खेले। 27 जून के बाद मैच नहीं हुआ वैसे, लेकिन 27 जून के बाद सीधा इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ मैच, अनएक्सपेक्टेड मैच हो सकता है ये भी। बात करें मिडफील्डर की, तो यहाँ से मैं लूँगा BAR का ए वाइडल के साथ मैं इसलिए जा रहा हूँ। वैसे ना मुझे ए वाइडल प्लेयर पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा रिस्की प्लेयर है। अगर आप इसको ड्रॉप करके कोई भी प्लेयर लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई भी इसमें मनाही नहीं है। मतलब अगर कोई भी अगर आप प्लेयर लेना चाहें, जैसे कि नीचे से आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एस बस्कट्स, जो कि मैं आपको बता दूँ एक बहुत ही टॉप का प्लेयर है ये भी। इन दोनों में मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ क्या लेना है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया भाइयों, क्योंकि थोड़ा आप भी अपना लगा लीजिए दिमाग। और बाकी से लूँगा यहाँ से एक आपको प्लेयर मिलता है जो कि है ओ प्लानो भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे आपको अच्छा प्लेयर मिल जाता है भाइयों, ये मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन इतना बढ़िया नहीं है। ओपोनेंट टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो मजबूरी में ले रहा हूँ ये प्लेयर, क्योंकि 4 प्लेयर लेने ज़रूरी हैं। ये कुछ इनका ठीक प्लेयर है। आगे से बात करें, आपको बता ही दिए, ये तो मैंने आपको ऑप्शन दे ही दिए कि आप इसको ले सकते हैं या आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन प्लेयर आपने BAR टीम का ही लेना है। मैं आपको फिर बता दूँ BAR का ही प्लेयर लेना, और कोई उल्टा सीधा मत उठा लेना। आगे से बात करें, अब चलिए आगे चलते हैं। बात करें स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो यहाँ से एक टॉप का प्लेयर एल मेस्सी मतलब रोनाल्डो टाइप का ही खेलता है, मतलब इगर्स की आप प्लेइंग देखोगे, लेकिन रोनाल्डो तो अलग ही है। बाकी मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब 50% बहुत ज़बरदस्त खेलता है ये प्लेयर, गोल करने की पूरी पूरी क्षमता है, और काफ़ी लोगों का कैप्टन भी रहने वाला है। यहाँ से एक और प्लेयर मिलता था जिसका नाम है ए ग्रिज़मैन भी एक नॉर्मल प्लेयर है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे आपको एक और प्लेयर मिल जाता है जिसका नाम है ए गोर्डिलो, जो कि मैं आपको बता दूँ ये भी एक नॉर्मल प्लेयर ही है। बाकी देखो स्टेट फॉरवर्डर सेक्शन में है, तो क्या पता कुछ कर जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं यही मेरी कुछ टीम रहने वाली है। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, सबसे मेन कैप्टन सबका रहने वाला है एल मेस्सी। सबका आपको बता दूं हर ओपोनेंट का कैप्टन एल मेस्सी होने वाला है आज, क्योंकि अच्छा प्लेयर है। और वाइस कैप्टन जे आल्बा रहने वाला है मेरा, क्योंकि वाइस कैप्टन भी यहाँ पे मेन वर्क करने वाला है, और आपका कुछ टीम्स के प्लेयर जो कि आपको ग्रैंड लीग तक आगे लेके जाएंगे। तो ये रही मेरी कुछ टीम, पूरी वन साइडेड टीम है। अगर अनएक्सपेक्टेड बीच में गोल होता है, और अगर नहीं होता तो मैं कह रहा हूँ आप जीत गए समझो, क्योंकि गोलकीपर इनका, स्ट्रेट फॉरवर्डर मतलब डिफेंडर इनके, मिडफील्डर इनके, और उसी के साथ भाइयों टॉप का प्लेयर एक और इनका, जो कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डर में से बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।